भाई मैं प्यार करती हूँ ना, आपको नहीं है मेरे से प्यार। वो भी यार लड़की की बात है, करना चाहिए। सब कुछ से पहले वो मेरी लाइफ में आई है, ना कि तुम पहले आई। कौन सा नंबर? नहीं, मेरा नंबर डिलीट क्यों करा? सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये कैसा सलूक है तेरे को? क्या हुआ है मेरे साथ? क्या हुआ? छड़ ना जा, नहीं रहना यार, मुझे पहले ही नहीं है ऐसी लाइफ जिंदगी। ऐसे इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहते जो इतना धोखेबाज हो। तूने इसकी जिंदगी क्यों खराब कर दी? इसको करियर कट कर देता ना फिर। है मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले को तो तुम मुझे रुला दो, तुम खुद फैल होगे। ये बद्दुआ दे रही है, ये प्यार करती है ये। सो ही गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ये ब्लॉग कपिल का होने वाला है, और इसलिए होने वाला है क्योंकि वो लोग कर रहे हैं आजकल लड़ाई प्रिंस ईयर, उनमें कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ लवी का मैटर है। तो अब वो सैड है ज़्यादा कर, तो वो ब्लॉग तो बनाएंगे नहीं। तो मेरा हक बनता है कि जब मुझे कोई मुसीबत आती है तो मेरे भाई मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो मुझे भी भाई करना चाहिए उसके लिए। तो मैंने उसका इंट्रो स्टार्ट कर दिया है और उधर बातचीत करें, बाकी मैं तुम्हें उनका सीन दिखा देता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं। शायद मुझे लगता है कि कपिल पता नहीं क्या लवी है कोई लड़की, वो मुझे भी जानती है। देखो मेरी इतनी तो बातचीत नहीं है, पर हाँ अब मुझे कपिल से पता चला कि उसकी बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ है। मैं कपिल को भी गलत नहीं बोल सकता, उस दिन तो मैंने मजाक बहुत सारी चीज़ें बोल दी, पर मुझे पर्सनली कपिल ने बोला तो ये चीज़ तुम्हारे सामने एक दिन में आ जाएंगे। बोला मैं सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके मैं तुम्हें सामने ले आऊँगा। प्रिंसी को कुछ कितना भी समझा लो, होता है ना कि जो प्यार करते हो समझते नहीं है, तो करती होगी कपिल से प्यार, तो उसी के लिए वो समझ नहीं पा रही है, गुस्सा ज़्यादा कर रही है। बाकी चलो मैं उनके पास तुम्हें जाके दिखा देता हूँ, है ना गाइस। यहाँ पर खड़े हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं क्या ये? यार जो भी बात है कपिल, अभी भी तुम कुछ बात है तो बताओ प्रिंसी को। मैं ये कभी नहीं, हम कोई भी नहीं जाएगा, ना मैं जाऊंगी ना सचिन जाएगी, तुम दोनों ऐसे लड़ाई करो और अपना रिलेशन खराब करो। आ जाने वाली थी मैडम, क्या हुआ उनका? आ जा रही थी वो लवी, ऐसे बुला लू क्या ये आके उसे कुछ कर दे कर और मैं कुछ कर दूंगी इस घर से। आप उनको लेकर बात करो, तुम दोनों अभी वो आएंगे ना, तुम प्रिंसी तुम्हारी इतना तुमको मैंने उस दिन बोला था, बहुत समझाया था, एक घंटे तक समझाया, फिर भी सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन आप अपने बड़े भैया सही हो, बट प्रिंसी तुम जो भी कर रही हो ना ठीक नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ? जो भी कल वीडियो बना के रोग आके जो डाली है तुमने, कौन सी वीडियो डाल दी? वही वाली। मुझे ये चीज बता दो, तुम किसी और के बारे में इतनी ऑन पब्लिक चीजें बोलो कि आई हैव अ फीलिंग, अब मैं उसे आपके सामने बता नहीं सकता। तो नाउ यू टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए। भाई मैं प्यार करती हूँ ना, आपको नहीं है मेरे से प्यार, तो आप मुझे नहीं है, नहीं है प्यार, मुझे ना आ जाता है। आती क्यों यहाँ पे, मुझे क्या लेने आती हो? मतलब क्या कि क्यों आती हो? एक चीज बताती हूँ, एक लड़की कभी तीसरी लड़की बर्दाश्त, मतलब जो हमारी तुम दोनों के रिलेशन के जो बीच में आएंगी ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे मैं हूँ। तो बर्दाश्त करने को कौन बोल रहा है? देखो वो भी यार लवी की बात है तो गलत है ना ये तुम्हारी बात, मुझे उससे मिलना है। लेकिन अगर मैं नहीं, अगर तुम्हें कोई वो आपको जो करना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम प्रिंसी से शेयर करो, बात करो, ऐसे लड़ोगे गुस्सा करोगे ऐसे थोड़ी चलेगा। मुझे उससे मिलना है पर्सनली, आई तुमसे मिला दूं, मीट विद दैट स्पेशल गाय जिसने आपके दिल दिमाग को कंट्रोल में करके रखा, और मुझे तो मिलना है यार, मैं मिलके ही रहूंगी। तुम नहीं, कितने दिन से हाइड करके रखोगे? प्रिंसी तुम भी थोड़ा ट्रस्ट तो बुला लेना, क्या बात है क्या नहीं है। और एक बार और, तो ये बता दो, अगर मेरी बात सुनो पहले, तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई है, ना कि तुम पहले आई हो। कैसे बात कर रहे हो यार, वो प्रेजेंट में तुम्हारी वो है गर्लफ्रेंड, तुम ऐसे नहीं बोल सकते, ये तुम्हारी गलत बात है। वो प्रेजेंट में कौन है तुम्हारे साथ, ये नहीं देख रहे तुम? और मुझे अब तुम्हारी जरूरत भी नहीं है ऐसी। वो तुम्हारे साथ देती है हमेशा, और अब तुम्हें लगता है ये साथ देती है? क्यों नहीं देती यार, कभी हमें दिखता नहीं है कि साथ देती है। जो साथ दे रही है उसको बुला लो ना। क्यों बुला लो? बुला जो साथ दे रही है वो पहले आई है, तुम्हें ये थोड़ी कि तुम्हारे पास कॉल क्यों किया कि आज मैं आ रही है उससे मिलाने जा रहा हूं, तुम्हें क्यों नहीं आई? वो कहां है? बोला था तूने कि आ रही है। आएगी, क्यों कॉल किया? आएगी वो, क्यों कॉल किया? फोन लेना था अपना, क्यों दूं मैं? मैं अपना नंबर नहीं रख सकती आपने, मैं अपना नंबर नहीं। कौन सा नंबर, किस चीज का? नहीं मेरा प्रिंसी, फोन टूट जाएगा, रुक जाओ, लड़ाई मत करो। नंबर डिलीट क्यों करा? सॉर्ट आउट करो। आई जस्ट फोन की इसको, मेरा नंबर नहीं रहना चाहिए। मेरा नंबर डिलीट, अपना नंबर। अरे यार आपको समझते क्या, मैं मर जाऊंगी क्या तुम्हारे बिना? मैं नहीं मरने जा रही हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं। क्यों खराब कर रहे हो? नहीं प्लीज यार रुको, इतनी सॉर्ट आउट करो ना, क्यों लड़ रहे हो? तुम समझा क्यों नहीं रहे हो? मैं क्या समझाऊंगा, वो हाइपर है तो मैं क्या कर सकता हूँ इस टाइम पे? नंबर डिलीट मुझे भी नहीं है।
यहाँ मुझे बुलाने के बाद भी लवी लवी का सीन चल रहा है। कपिल लवी के पीछे क्या है, तुम क्यों इतना वो कर रहे हो, बोल दो, बता दो कुछ भी है तो क्यों अपनी लड़ाई बढ़ा रहे हो, तुम भी तो जानबूझ के नंबर डिलीट क्यों कर रही हो। बोल दिया ना मुझे, अब इसके साथ नहीं रहना, ब्लॉक नहीं डिलीट करो उसे, अब दोबारा देखेगा नहीं नंबर, और अपने फोन में से भी मेरा नंबर डिलीट कर देना। क्यों बढ़ा तो क्या करेगा फिर तू ऐसे करके, कपिल जो तुम अब ऐसे करने लग गए हो काम चलेगा फिर तेरा, ऐसे तो बात करें जितना जी चाहे उतनी बात करो, तेरा सब कुछ प्रिंसी से काम भी प्रिंसी से सब सब कुछ मिल रहा है फिर भी मुझे तो बात करिए, मैं क्या मना कर रहा हूँ, देख लो करिए, मैंने बात है। कपिल तुम्हें कोई दिक्कत है बताओ, इतने अचानक कैसे चेंज हो गए, तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए, कोई प्रॉब्लम है मिलके सॉर्ट आउट करो साथ में मिलके, मैं बोल दूंगा। अरे प्रिंसी रुक जाओ तुम यार, वो होता है ना कि करेंगे ना तू मामा, मैं भी गलत दिख रहा है, लेकिन मुझे तो कोई देखे क्या हुआ है मेरे साथ, इसने क्या किया है, क्या किया है इसने, बताओ ना हमें, बस मैं बताना नहीं चाहता। किसी लड़के से बात करिए, लड़के वगैरह से तो बात नहीं करिए, मैं बताना नहीं चाहता। पैर में मोच आई है, अरे तो मैं क्या करूँ, तोड़ ले पैर अपने, तुम मुश्किल ही करते नहीं यार, सही बात नहीं है, अब मैं क्या कुछ बीच में भी तो क्या बोलूं इनके, ना तो कभी आई थी और ना तो मुझे आना था, मैंने आपसे पहले ही पूछा था आपकी लाइफ में कोई है, तो आपने क्या कहा था कि देयर इज नोबडी इन माय लाइफ, आपने ये चीजें भी से एकदम से क्लियर की थी, और अगर क्लियर करने के बाद कि आपके लाइफ में कोई लड़की थी तो आपको अभी भी वो लड़की मुबारक हो, मुझे नहीं रहना यार, मुझे रहना ही नहीं है ऐसी लाइफ में, और मुझे दोबारा कॉल मैसेज करना नहीं, क्या क्या समझ के रखा है कि मैं मरे जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना, मैं वैसे भी नहीं रहना चाहती ऐसे इंसान के साथ, तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती जो इतना धोखेबाज हो। तो ये क्या है, बैग फेंक दिया, अरे मेरा दिमाग ही बहन गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, छोड़ो, और कभी तुम्हारी भी तो ये गलत बात है यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, रुक जाओ, बस ये पैर जो चल रही हो ना, ये सारे ड्रामे मुझे पता है, आ जाओ, क्या टाइम है उसके पैर का, क्यों नहीं मत ड्रॉप करो अपने, ठीक है मैंने मना नहीं किया है, लेकिन मना करने तो मैं क्या बोलूँ, अब मेरे से नहीं, ये देखो ना बैग फेंक रहे हैं, ये पहले शांत तो हो जाए, हां मैं भूल गया, पहले तो बड़ा दिखाते थे, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया यार, लोग देख रहे हैं, प्लीज, तो लोग देख रहे हैं यहाँ पे, प्लीज देखो माहौल में लोग भी देख रहे हैं कि यार लड़ाई कर रहे हैं, लोग ने इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, आप ये ड्रामे करते हैं, वो तुम्हारे हमेशा उसने साथ दिया, तुम एकदम से इतना कैसे गुस्सा हो सकते हो, अरे साथ किसी और के पीछे, कौन कहता है साथ दिया, इसने साथ दिया मेरा, गाइस देख रहे हो अब आगे क्या ही बोलूंगा मैं, मेरे तो बोलने लायक शब्द ही नहीं है, अभी नहीं समझा सकता जब तक ये गुस्सा शांत नहीं होगा इनका, ये बेवकूफी, तेरा काम भी उस लड़की के साथ है, सारा कुछ है, फिर भी तो ये बोल जाएगा, और क्या फिर क्या करेगा, लाइफ बर्बाद कर लूं इसके चक्कर में आके, तो क्या लाइफ बर्बाद हो रही है, जब मुझे पता है ना क्या बर्बाद हो रहा है, तो छोड़ दे फिर इसको, फिर तभी तो छोड़ रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं फिर, तो तू तुझे पहले चीज नहीं सोचनी चाहिए थी, ये लवी मेरी लाइफ में पहले से है, हमें तो आज तक नहीं पता, नहीं बताया मैंने, तू हमें नहीं बताता चीजें, उस दिन उसे पता चल गई क्योंकि मैं बात कर रहा था कॉल पे, तो तू तो मुझे भी बोलता था मेरी दोस्त है, तो तू यहाँ पे क्यों रुक जाता है, दोस्त वाली बात पे है क्या, वो प्यार करता है तू उससे, प्यार है तभी तो बोल रहा हूँ, इससे पहले वो मेरी लाइफ में, इससे पहले वो तेरी लाइफ में, तो इसको क्लियर कट नहीं करते फिर, तो इसकी जिंदगी से क्यों खेलते जाए, तभी तो इसकी जिंदगी क्यों खराब करी तूने, फिर इसे पूछ के आना ये जाएगी कि नहीं, एक बार तूने इसकी जिंदगी क्यों खराब करी, इसको क्लियर कट कर देता ना फिर, काली काली काली, तो मुझे भी क्या लगेगा, लगेगा नहीं, ठीक है उससे जाके पूछ, उसने मेरे साथ क्या किया, एक बार जाके पूछना तो जा, रुक अभी मैं उससे ही पूछ लेता हूँ ना, क्या किया उसने, प्रिंसी कपिल बोला तुमने कुछ किया उसके साथ है यार, हाँ ये बात तो वो बोल रहा है, अभी बोल रहा है उससे पूछ के आना क्या उसने मेरे साथ क्या किया, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं, क्या किया तुमने, कि मैं नहीं बोल सकता करके ऐसी बात बोलना, तो प्यार ही क्यों करते हो जब एक दूसरे के लिए ऐसे करते हो, कि ये किसी लड़की से इतनी रात को बात करे और मैं इनको एग्री कर दूं सीधे सीधे, तुमने क्या किया वो बताओ ना, यही ये चाहते हैं कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ ना, इनको ये चीज पसंद नहीं है, और मुझे क्या पता है इनको क्या चीज मेरी बुरी लग रही है, मेरे को यही तो नहीं पता है, मुझे पता होता ना मैं तो अपनी कमियां खुद निकाल के रख देती, अभी तू वहीं पर है, वहीं पर है, अभी आ रहा हूँ मैं, क्या बोल रही है, कुछ भी नहीं बोली, तू जा वहीं पर, अच्छा जा। मुझे ये बता, गर्लफ्रेंड का क्या काम होता है, बॉयफ्रेंड के साथ कैसे रहे, क्या काम होता है, क्या काम होता है, पहले ये वाली बात बताओ ना, प्रिंसी तो बोल रही है कि तुम वो रोक रही है इस वजह से, तुम बोल रही है छुपा रही है मेरे से कुछ, क्या मतलब क्या बात है, मैं छुपा रहा हूँ कुछ, अरे ये बात नहीं, तुम बोल नहीं रहे थे कि क्या कहते हैं प्रिंसी की बात, मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता कि वो तुम्हें रोक टोक कर रही है, ये वाली बात है, ये इंसान ये क्यों करना चाहता है, क्या कुल मिला के ये
सारा रहता है ये इसलिए फैला रहे हैं ताकि मैं ना तो लवी से मिल पाऊँ। मुझे लवी का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा ना बीबी, मैं कहीं से भी कॉन्टेक्ट कर लूंगी। ये बात कर लेना ना, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले को तो मैं एक इंच भी नहीं छोड़ सकती यार। क्या ठीक है, क्या ठीक है, क्या ठीक है, क्या ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रुला के तुम खुश रह लोगे? नहीं रह पाओगे, ये चीज याद रखना। तुमसे तो लड़ाई तो हमारे इसमें हुई थी, पर ये प्यार करती है, मुझे बोल रही है मुझे रुला के तुम खुश रह लोगे, ये बद्दुआ दे रही है, ये प्यार करती है। ये नहीं करती, जो इंसान मेरे साथ रह के भी दूसरी लड़की के ख्वाब देखे ना, उस इंसान से तो मुझे इतना सा भी प्यार नहीं आना चाहिए। बट मैं क्या करूँ ना, मैं अपने दिल दिमाग का कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जा यार, जाओ ना, बोला ना चली जाओ मेरे सामने, जब चली है तो क्यों आ गया? चला जा कपिल उधर, चला जा। प्यार होता तो यही वर्ड, प्यार होता तो ये मुझे ये वर्ड बोलती क्या? चला जाओ उधर, चला जाओ। गुस्से में अपने दिल पे ले रहे हो तुम लोग, सॉर्ट आउट करने की जगह लड़ाई बढ़ा रहे हो यहाँ पे। तुम उधर जाओ भी, दोनों अकेले रहो यार, तुम फालतू में लड़ाई बढ़ा रहे हो और पार्क में बहुत लोग। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, ठीक है ना? प्रिंसी ऐसा करो, अभी तुम ऐसा करो, घर चले जाओ। मुझे जाने ही, मुझे रहना ही नहीं इंसान के साथ। अभी घर चली जाओ, कल बुला, जिस दिन लगी याद है बहुत गंदा बोल रहा है। अभी बड़ा है इसीलिए कुछ भी नहीं, अब क्या करूँ? लड़की आ रही है, मैं मिलाऊंगा। बड़ा है मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम थोड़ा यहाँ पे आके कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आप किसी और में इंटरेस्ट आ गए, ये तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं, मैं अभी मेंटली डिस्टर्ब हूँ ना, मुझे थोड़ा सा ठीक हो जाने दो ना, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। वैसे भी मेरा मूड खराब है कपिल, तुम लोग यार बात मत बढ़ाओ, रहने दो, तुम जाओ, तुम उसको अकेले छोड़ दो, मैं देख लूंगी। ठीक है चलो, अब बात मत करो या फिर तू चला जा यहाँ से। मत करो फिर से, तुमने कुछ ऐसा किया हो जिससे उसे बुरा लग रहा हो? कुछ बात हो गई? आप मुझे बता दो मेरे प्यार में कहाँ आप लोगों को कमी लगी है? अब वो तो तुम्हारा पर्सनल पता होगा ना, हम हर टाइम थोड़ी तुम्हारे साथ रहते हैं। मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछती। मैंने तुम्हें क्या लगता है कि मेरे साइड से क्या कमी रह गई? कुछ हो तो बता दो। तुम दोनों के बीच में कुछ चीजें पर्सनल भी होती है कि कुछ होता नहीं है बहन, ऐसे कोई बात ही नहीं है। उस इंसान को चाहिए बस मुझे ब्लेम करवाने का ताकि इनका रिश्ता चल जाए अच्छा खासा। रिश्ता चलाना होता तो तुम्हें क्यों लाया अपनी लाइफ में? अरे इसीलिए लाया है ना, इसीलिए लाया ही है। ऐसा भी नहीं है यार, वो प्यार तुमसे गया कहाँ है ये देखो। और जाने दो, अभी गुस्सा शांत रहेगा। प्यार बहुत करता है कपिल, ऐसे नहीं है प्रिंसी, तुम्हारे बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। वो मेरे से प्यार करता है, वो उधर उधर देखो, उधर बंदा ये मेरे से प्यार करता है, ये तुम्हें बस बोल के गया है वो कि मैंने किया है। बहन मैं क्या सी हूँ तुम्हें बताओ, साथ में तो हम रहते हैं ना। पता नहीं अब किससे करने लगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही सचिन, तुम तो साथ में रहते हो। मुझे नहीं पता, देखो कोई कोई इंसान होता है जो अब एक तो बता देता है, कोई नहीं बता पाता। शकुन था, एक शकुन बता देता था बस, तो ये नहीं पता था मैं क्या करूं। मुझे इस लड़की का नंबर चाहिए, लड़की का नंबर तो मेरे पास है। देखो प्रिंसी एक बार, I just really want कि मुझे इस लड़की का नंबर अब कहीं से कुछ भी करके दिला दो या मैं पागल हो जाऊंगी इस लड़की की वजह से। सच बताओ, तुम्हें कपिल से बात करनी थी ना कि उस लड़की से। वे क्या ठीक है, चलो तुम समझा दो उसको, पहले शांत हो जाओ तुम थोड़ा सा, ठीक है? तो गाइस तुम लोगों ने देखा भी क्या हुआ, इतनी बात बिगड़ चुकी है इन दोनों में कि वो इसको ब्लेम कर रहा, वो उसको ब्लेम कर रहा। एक मिनट भी प्यार याद नहीं आ रहा कि हम दोनों में प्यार भी है थोड़ा बहुत। हम दोनों 4-5 महीने से साथ हैं, जब तो खूब वादे हुए थे खूब कि हम दोनों साथ रहेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा कपिल बुरा लग रहा है इस वक्त, कपिल कुछ भी बोल दे रहा है, बस गुस्सा इस बात की है। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा, बड़ा एक तो, और फिर उसका रिलेशन है देखो, जहाँ उसको अच्छा लगे एक तो वहाँ पर इंसान को आज़ाद कर देना चाहिए। पर प्रिंसी प्यार करती है इसीलिए उसको गुस्सा कर रही है, बहुत ज़्यादा वो कर रही है। मेरा कभी कोई ऐसा मन कर रहा क्यों मैं ब्लॉग बना रहा हूँ इनका, इनकी लड़ाई ऐसी गंदी वाली लड़ाई में क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। पर यार एक होता है ना कि तुम लोगों को भी सब पता चलना चाहिए, सारी चीज़ें जाननी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें, वरना ये लोग तो वही है कि अभी लड़ेंगे और फिर शायद बाद में एक भी हो जाए या फिर क्या पता अलग हो जाए। अभी देखो फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा सारी चीज़ें, बाकी देखते हैं आगे और क्या करते हैं ये लोग और कितना अब एक दूसरे के एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। और बस यही सब चल रहा है इनकी लाइफ में तो, और क्या। पहले तो 3-4 महीने तो बहुत अच्छे से करे इन्होंने, एक भी लड़ाई नहीं हुई, मैंने देखी नहीं कब लड़ाई, बस अभी फ़िलहाल में हो रही है। बाकी चलो गाइस, अच्छा लगा हो तो इन पर कमेंट करना, इनको लाइक चाहे एक बार को मत करना कोई बात नहीं, पर कमेंट करके इनको बताना भाई अच्छे से रहो, खुश रहो। ये दुनिया, ये लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलती। इसमें अपने जितना जी सको इन्जॉय करके इतना जियो, और अपनी पढ़ाई वगैरह अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। ये कमेंट करना, अच्छे पॉजिटिव कमेंट करना। बाकी चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।